ठीक है, ऑलराइट। मल्टीकॉन 2018 एक मन में आया ऐसा विचार था कि उसको हम लोग एक प्रयोग के रूप में लिया, पर वो अत्यंत सफल हुआ। उसमें आज जो मनुष्य का हम लोग डॉक्टर ट्रीट करते हैं, तो उसमें कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ हार्ट के बारे में, नेफ्रोलॉजिस्ट सिर्फ किडनी के बारे में, और से किसी भी स्पेशलिटी वाले सिर्फ अपने अपने हिस्से के अपने अंगों का देखभाल करते हैं। और ऐसे में होता है कि मूल रूप से मनुष्य को भुला दिया जाता है, और इस कारण हम चिकित्सा शास्त्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। टेक्निक सारी बहुत उन्नत है, और हर अंग को लगातार हम काफ़ी लंबे समय तक चलाने का प्रयास भी कर पाते हैं, पर इस प्रयास में पूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर क्या कुप्रभाव पड़ जाता है, और कैसे मनुष्य छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होकर के उनको कई जगह इलाज के लिए भटकना पड़ता है। अमेरिका में इस तरह के जो बहुत रिच या जो अच्छे जो एफ्लुएंट होते हैं, वो लोग मेडिकल बोर्ड बैठाते हैं, और वो सब स्पेशलिस्ट एक साथ मिलके द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि सब कार्डियक सर्जन ने, कार्डियक स्पेशलिस्ट ने जो अपना इलाज शुरू किया, तो उसकी तीखी दवाइयों से किडनी के फिल्टर जालियां ख़राब हो गई और वो 2 साल में डायलिसिस में चले गए, और डायलिसिस के टाइम पर अगर और दूसरी हैवी मेडिसिन से घुटने ख़राब हो गए, तो सब अपना अपना हिस्सा प्राउड से बोलते हैं कि मैंने स्टंट लगा दिया, हार्ट अभी भी चल रहा है। बोलते हैं वीक में 2 बार डायलिसिस कर रहा है, बंदा जिंदा है। बोलते हैं कि जॉइंट लगा दिए स्टील के, ही इज़ वर्किंग एंड वॉकिंग। बट द रियलिटी इज़ दैट कि जो आराम से 20 साल का जीवन ढंग से जी सकता था, वो 6 साल में उसका जीवन ख़त्म हो गया। तो हम लोग अपने अपने स्पेशलिस्ट अपनी अपनी स्पेशलिटी में जाते थे, और अपना ही अपना साइंटिफिक पेपर पढ़ के आते थे। दूसरे के प्रयासों को, दूसरे के अकम्प्लिशमेंट को, दूसरे के कॉम्प्लिकेशंस को, दूसरों के साथ तालमेल को, जो उसका एक अभाव था, इसको हमने मेगा मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल अवार्ड कॉन्फ्रेंस के रूप में इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी के तत्वाधान में पहला ये प्रयोग भोपाल में किया, जिसके अंदर 53 विभिन्न जो है स्पेशलिस्ट आए थे, जिनमें अगर हम नाम लें तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर कुरेश मस्कती आए थे, IMA के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर DR राय आए थे, जो बढ़ती हुई माहौल में डॉक्टरों के प्रति और डॉक्टरों के द्वारा ये जो दोनों बदलते हुए माहौल में क्या प्रतिक्रियाएँ होती है, इस पर बात कर रहे थे। फिर जो है संजय शर्मा, जो टाटा मेमोरियल के कार्डिक कैंसर सर्जन है, वो मौजूद थे। डॉक्टर पेंडारकर, जिन्होंने 4 राज्यों में 22,000 से भी ज़्यादा प्राथमिक केंद्रों के ऊपर जो ऑन्कोलॉजी की जो है क्लिनिक्स डाल दी, सिर्फ ये व्हाट्सअप और ये स्काइप की मदद से, और सुदूर दूर दूर भी हम लोग कैंसर का इलाज कर पाते हैं। इसी तरह डॉक्टर अली ईरानी, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट थे, वो लोग आए हैं। हेयर साइंस के अंदर डॉक्टर अंजलि शेरे आई, तो जितने भी अलग अलग वैरायटी के, और सबको एक दूसरे को जानने का मौका मिला। इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट थी क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसमें उन्होंने शर्लक होम अप्रोच रखने का डॉक्टर को मैसेज दिया कि कैसे कि डॉक्टर की नज़र एक जासूस से भी बढ़ के होनी चाहिए, कि सिर्फ एक चित्र देखा है कि अस्पताल के अंदर एक बेड पे पेशेंट रखा है, तो उसको देख के आप कैसे डायग्नोस करेंगे। तो अगर नाक में नलियां हैं, गले में नलियां हैं, थ्रोट में नली है, चेस्ट में नली है, पेट में हर तरफ नलियां डली है, तो उसको देख के आइडेंटिफाई करें, क्या ये हेड इंजरी है, क्या ये कार्डियक अरेस्ट था, क्या ये रेस्पिरेटरी फेलियर है। तो जब पूरा हमारा हॉल सन्नाटे में भरा उसको देख रहा था, तब एक मेडिकल स्टूडेंट उठ के बोला कि ये साइनाइड पॉइजनिंग है, क्योंकि ब्लैडर से जो यूरिन का कलर है वो ग्रीन आ रहा है। तो ये जो सारा एकदम शर्लक होम की अप्रोच डेवलप हुई, और उसके बाद लगातार 2 घंटे तक इतना ज़्यादा जिसको बोलते हैं शास्त्रार्थ हुआ, तो सही मायने में एक मेडिकल साइंस का महाकुंभ हो गया। उससे उत्साहित होकर के हमने दोबारा अप्रोच करी डॉक्टर विनोद टिबड़े वाला साहब से, जो आज यहाँ आए हुए हैं, और उन्होंने अपना JGT यूनिवर्सिटी पूरा होस्ट करने का सारा जो है अपना दारोमदार सिर पे लिया है, और हम ये दोबारा करने जा रहे हैं नवंबर के महीने में, 2nd, 3rd और 4th November को। तो ये ऐसा प्रयास होगा कि जिसके अंदर चिकित्सा शास्त्र का समन्वय हो, और सब मिलकर के मनुष्य को मनुष्य एक समझें, और हम उसकी वेलफेयर के बारे में सोचें, सिर्फ हार्ट, सिर्फ किडनी या सिर्फ लंग्स, सिर्फ अपने अवयव को छोड़ के मनुष्य के बारे में सोचें। तो ये मेगा मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल मल्टीकॉन कॉन्फ्रेंस, और इसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे नवंबर के महीने में। और सवाल आता है कि मैं एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ, जो लोगों का है निर्माण करते करते कई बार प्रयास ऐसे होते हैं
कि हम लोग इम्प्रोवाइज वर्जन जब बनाते हैं रूप का, तो राइनोप्लास्टी ऑपरेशन करते हैं, ब्लेफरोप्लास्टी करते हैं, फेस लिफ्ट करते हैं, लिप डिज़ाइनिंग करते हैं, जॉ लाइन डिज़ाइनिंग करते हैं, सलवटें हटाते हैं, झुर्रियाँ हटाते हैं, चेहरे का आकार बदलते हैं, नाक का अनुपात ललाट के और निचले चेहरे के हिसाब से बनाते हैं, साइड प्रोफाइल हटाते हैं, या गोल लोटा प्रसाद चेहरे को हम लोग सुड़क के सारी चर्बी निकाल के लंबा जो है इलेप्टिकल बना पाते हैं। तो ये जो सब कॉम्बिनेशन थे, आज की तारीख में थ्री डायमेंशनल इमेज असेसमेंट के द्वारा हमें जांच करना बहुत आसान हुआ। और दूसरा, जब हम इसी को ऑल्टर इमेज सॉफ्टवेयर पे नया चेहरा बनाने की परिकल्पनाएं लेते हैं, तो उसकी संभावनाएं अति 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 हो जाती है, इनमें एक्सट्रीम पोटेंशियल दिखाई देता है कि क्या क्या कर सकते हैं। तो उसको हम लोग मैच करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सर्जरी से, कि किसी तरह की हानि शरीर को ना हो, और क्या उनकी मनोभावनाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षाओं को हम लोग मैच कराते हुए एक नया रूप देते हैं। और इसी प्रयास के तहत मेरे जो है बहुत ही अति परम जिन मैं इनकी ये सराहना करना चाहूँगा कि ये इन्हीं का उत्साह था, इन्हीं का ढाढ़स था, इन्हीं का शौर्य था जिसने मुझे प्रेरणा दी और मुझे पुनर् एक नवनिर्माण, एक नया जो है रूप देने के लिए मैं प्रभावित कर सका। अब मैं चाहूँगा कि बिग भी कुछ कहूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? और मैं एक पकड़ लूँ? हाँ, एक पकड़ लूँ। भाई, पहले तो मैं सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम देके हम लोगों के पास यहाँ पे आए हैं। मैं दिल्ली से हूँ और आज से कई साल पहले डॉक्टर साहब से एक जगह मुलाकात हुई थी, एक बहुत बड़ा इवेंट था वहाँ पे हरियाणा में, वहाँ पे मुलाकात हुई थी। तो मेरा फेस पहले नहीं मिलता था, अमिताभ जी से लोग कहते थे कि मिलता है, लेकिन मुझे कमी नज़र आती थी कि नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे चांस की बात है, डॉक्टर साहब मिले और मैंने इनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप किस तरह के डॉक्टर करते हैं? कहता हम सर्जन हैं और हम बिल्कुल फेस को मिला दें। मगर क्या मेरा मिला सकते हो फेस? कहते हैं हाँ, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। चलो अभी मिला दो। आए, बातें चलती रही हमारी, फिर मैं बॉम्बे आया, इन्होंने माइनर सर्जरी की दो तीन बार ली थोड़ी थोड़ी करके, और इन्होंने काफ़ी कुछ, मतलब 90 लोग ये कहते हैं 95 से लेकर 99% तक आपका फेस मिलता है। इवन देन कपिल शर्मा भी एक बार मुझे इवेंट में मिले थे, वो कहता साहब आपका तो पूरा 100% मिलता है। मगर ये सब डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, विजय डॉक्टर साहब जो हैं इनकी मेहरबानी, इन्होंने किया है। और बहुत अच्छे ये मिलनसार भी हैं, बहुत अच्छे मतलब एक दोस्त भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब कुछ हैं ये। और इनसे मिलके बहुत खुशी भी हुई मुझे। फिर ऐसी बात चलती रही, इन्होंने कहा कि ये काम कर रही हैं कि हम क्यों नहीं मिलके करें। मगर देखिए, मेरा इनका भी एक पूरा ये इरादा है कि कोई गरीबों की भी मदद की जाए, ये नहीं कि हमें अपनी जेब से ही भरते रहें, पैसे भरते रहें, अपनी जेब में भरते रहें, नहीं, कुछ ना कुछ पब्लिक का भी कोई फ़ायदा होना चाहिए। तो हमने एक जॉइंट अभी एक स्टार्ट किया है, चलो भी इसकी मार्केटिंग करते हैं, या ऑपरेशन आपने करना है, मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों हैं। तो डॉक्टर साहब भी एक डिप्रेस में थे किसी कारण से, मैंने इसको एक बहुत ज़्यादा हिम्मत की, मगर डॉक्टर साहब आप जो है ना, हम एक और एक 11 बनेंगे, आप हिम्मत रखो, उसके बाद मैं आपका जो है ना मार्केटिंग मैं देखता हूँ, या ब्रांड एम्बेसडर मैं आपके और कहूँ कि मेरा किया है इन्होंने, मैं दूसरे गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आपने मेरा फेस जो है ना काफ़ी चेंज कर दिया है, और क्यों नहीं मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बनूँ, और आपने मेहनत करनी है, और ये भी एग्री हो गया। हमारी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी और हमने फिर ये ज्वाइंट ये काम शुरू किया है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत दिल के भी बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, और इनके अंदर कोई झूठ नाम की चीज़ नहीं है, सच्चाई का साथ देते हैं। तो हमने ये अभी शुरू किया है और हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी पैसा हम करेंगे उसके अंदर बच्चों की भी हेल्प करेंगे, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई में अगर किसी को चाहिए, वो भी गरीब की सर्जरी भी करते हैं, सब कुछ हम वो करेंगे। से ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पुनरावतार हुआ है। नहीं साहब, ये तो और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी प्रबल इच्छा और बलवती धारणा और जो इनका डिटर्मिनेशन था, उसी ने मुझे प्रेरणा दी। जब मूर्ति स्वयं कहे मूर्तिकार से कि मुझे ऐसा गढ़ो, तो मूर्तिकार को कार्य करने का आनंद ही कुछ डबल हो जाता है। तो इसी भावना के साथ हम ये कर पाए और अब इसका सदुपयोग हम समाज के लिए करना चाहते हैं। तो वन ह्यूमन वन वर्ल्ड ये ट्रस्ट है, उसका जो प्रेजेंट तीन उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि ट्रस्ट के द्वारा रोज एक पेड़ लगाओ, ये पर्यावरण और वनस्पति जगत के लिए। दूसरा, सामाजिक संगठन के लिए
एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मेरा बच्चों से एनकाउंटर मेरा पहला अनुभव था, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा मुझे मालूम नहीं था, शायद मैं ओवर रिएक्ट या अंडर रिएक्ट करता था। पर वही बात जब मेरे माता पिता जब भी बम्बई आते थे तो उन बच्चों को बड़े अच्छी तरह से हैंडल करते थे, तो ये उनका सेकेंड एक्सपीरियंस था। इस बात को हमने ध्यान में रखा कि हाँ, जो जॉइंट फैमिली की जो अच्छाइयाँ थी, जिसको हम संस्कार बोलते हैं, वो सामाजिक संगठन में दृढ़ता लाना जरूरी है, क्योंकि आज जिस दौर से समाज गुजर रहा है और जिस तेज़ी से झूठे सच्चे केसेस हो रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, और जिस तेज़ी से ये समझिएगा लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं बाद में एक हेल्पलाइन डालें बिफोर डिवोर्स एंड बिफोर सुसाइड, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मदद कर पाएँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवसायिक या आर्थिक, जितनी हमारे संभव होगी हम कर पाएंगे, ये हमारा दूसरा उद्देश्य। और तीसरा उद्देश्य बिल्कुल सरल है कि शिक्षा और चिकित्सा की आज़ादी। भारत जैसे बड़े देश में जहाँ इतनी प्रतिभाएं बच्चों के रूप में मौजूद है, वहाँ पे एंट्री टेस्ट नहीं होना चाहिए। हर बच्चों को पढ़ने की पूरी सुविधा है, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन पे उपलब्ध है, सब कुछ जो है ई एजुकेशन है, तो एंट्री टेस्ट बिल्कुल अबॉलिश कर देना चाहिए और सिर्फ एग्जिट टेस्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए कि चाइना, रशिया, जापान, कहीं से भी जो बच्चे डॉक्टरी पढ़ के आते हैं, मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम देते हैं और वो लोग प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो भारतीय मूल के बच्चे यहाँ पे जो हैं पैसे के अभाव में इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर नहीं बन पाए, ये तो बड़ी आई थिंक कुठाराघात स्थिति है। तो इसको दूर करने के लिए ये तीनों उद्देश्य हम चाहते हैं वन ह्यूमन वन वर्ल्ड ट्रस्ट के तहत करें। रोज एक पेड़ लगाओ, सामाजिक संगठन मजबूत करो और शिक्षा और चिकित्सा की आज़ादी। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू सो मच। और देखिएगा इसके अंदर क्या है कि मेरे और डॉक्टर साहब के विचार इतने मिलते थे, इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करेंगे, हम जो भी कुछ कमाएंगे उसके अंदर कुछ पार्ट हम जो है ना, ये तीनों काम जो हमने जो एम पकड़े हैं, तीनों का हमारे एम्बिशन है, उसको हम पूरा करेंगे। कि पेड़ लगवाएंगे, एक तो लोगों से उनको प्यार से समझाएंगे, देखिए आगे चल के ये हरियाली बहुत ज़रूरी है, दूसरा पढ़ाई के लिए भी, एजुकेशन के लिए पढ़ के कैसे हैं, लेकिन उनके बाद आगे कोई ये नहीं रहे कि साहब इसको इतने नंबर मिले हैं, इसको रखना है, इसको सर्विस देने हैं, इसको नहीं, सबके साथ हम हर तरीके से। और दूसरा ये है सीनियर सिटीजन, जैसे माँ बाप जो है ना, मान लो किसी बच्चे को डांटते हैं, आपने देखा होगा किसी बच्चे को डांटते हैं माँ बाप, तो दादा दादी के पास पहले भाग के जाता है कि वो मुझे बचा लेंगे, और वही हमने अभी नए सिरे से सोच रहे हैं, इसमें सीनियर सिटीजन की एक वैल्यू भी आएगी और बच्चों को भी थोड़ा ये रहेगा कि हाँ दादा दादी हमारे बहुत ही एक वेल विशर हैं, वो हमें कम से कम पापा और मम्मी से तो बचा लेंगे, ये भी हमने सोचा है। एक अपने आप में नया ही स्टेप है ये जो हमने इस चीज़ के ऊपर हम स्टेप किए हैं। थैंक यू भाई बहुत।